जब कभी भी हमें डाटा एंट्री फॉर्म बनाना होता है तो एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म बना करके एंट्री करना काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है। आसानी होती है डाटा एंट्री फॉर्म बना करके एक्सेल में एंट्री करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाएंगे, सवाल यही है। तो कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको प्रेस करना है ऑल्ट डी ओ, और जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ डाटा एंट्री फॉर्म ओपन हो जाता है। बाकी अपना नंबर वगैरह जो भी एंटर करना है इसमें एंटर कर लीजिए और ये आपका डाटा एंट्री फॉर्म ही है, ठीक है। अब ये हो गया, सब्जेक्ट फाइव में भी एंटर कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट, तो ये फाइंड नेक्स्ट पे चलेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर अम्बुज जो नाम है वहां पर आ गए। अब इनकी जो भी इनके मार्क्स रहे हों वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इस तरीके से सबके मार्क्स आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब फिर यहाँ से नेक्स्ट पे चलेंगे हम, और नेक्स्ट पे जाएंगे तो तीसरा वाला डेटा हम एंटर करेंगे, यानी राजेश का डेटा यहाँ पर हम चाहे तो एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मैं राजेश का डेटा, तो जो भी इनका डेटा रहा हो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। और ये कुछ इस तरीके से डेटा एंटर भी हो गया, तो देख सकते हैं इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ से इसको क्लोज किया तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट कर रहा है, और ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है एक्सेल में डाटा एंट्री करने के लिए। तो अगर इस तरीके से बनाना चाहते हो तो शॉर्टकट की मदद से आसानी से बना सकते हैं।